मुझे आपकी इंडिया के जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी की, क्योंकि जनता ने कुछ भी नहीं कहा है नेपाल के विषय में। और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ नहीं बोला है, वो चुपचाप है। मुझे उससे उन्हें भी कुछ नहीं कहना है। बट एक बात ये है कि मीडिया, ये GTV न्यूज़ वाला मीडिया, ये इंडियन मीडिया लोग हमें नेपाली को बोलते हैं कि हम गुलामी करने जा रहे हैं चाइना से। अरे यार, तुम लोग तो वार कराओगे यार, फर्स्ट वार तो हो गए, दूसरा वार तो हो गए, अब तुम थर्ड वार कराने जा रहे हो कि नेपाल अब चाइना के दासी हो गए या के गुलाम बनने जा रहे हैं, उसके ये इस पे कम वगैरह वो बंदूक रख के और वो नेपाल को गाइड कर रहे हैं। क्या बोलते हो तुम लोग? तुम लोग को पता है कि नहीं, नेपाल ऐसी देश है कि अभी तक किसी की गुलामी नहीं कर रहा, नहीं करी है। हम लोग अपने हिसाब से, हम लोग अपने मर्जी से जीने वाले लोग हैं, हम अपने मर्जी से काम करने वाले लोग हैं, तुम लोगों जैसे नहीं हैं हम। मैं इंडियन मीडिया को ये कह रही हूँ कि कुछ बोलने से पहले कुछ सर्च करके बोलो, सब कुछ सर्च करो कि ये लिपुलोक किसका है, काला पानी किसका है, और ये लिपियाधुरा किसका है, पूछो, इतिहास देखो, सर्च करो, फिर बोलना। जो मुंह में आए वो पक 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 मत करो तुम लोग यार। अरे तुमसे अच्छा तो हमारा नेपाली संचारकर्मी है, पत्रकार है, जो सर्च करके बोलते हैं। आओ सीखो, पत्रकारी सीखना है ना तुम लोगों को, आओ सीखो। नेपाल में एक है हमारे पास, वो भैया है एक रवि लामिछाने एक ऐसा जर्नलिस्ट है, वो जो भी बोलता है वो सर्च करके, अध्ययन करके बोलता है, और वो नेपाल के लिए हद हित में बातें करते हैं। उसे आके सीखो, नेपाल आके सीखो जर्नलिज्म क्या है, जर्नलिस्ट क्या है। अरे यार, तुम लोग तो कुछ भी बोलते हो। अरे नेपाल, चाइना, ये लोग बोलेंगे, ये मीडिया बोलेंगे अब चाइना के सपोर्ट पे ये कर रहे हैं, और फिर भी समय बाद बोलेंगे अरे यार चाइना तो रसुआ के सपोर्ट के लेकर चे गुलामी कर हमें दोस्त करने वाले हैं, और तुम ये पाकिस्तान ये करके ये एक दूसरे के देश को तुम लोग लड़ा रहे हो। इसलिए बोलता हूँ, तुम तो वार कराने में जुड़े हो तुम लोग। तुम लोगों का रिलेशन किसी का ही, कोई से भी अच्छा नहीं होता, चाइना से वही, पाकिस्तान से वही, नेपाल से अब तुम लोग रिश्ता ये किस्म के बर्ताव करने जा रहे हो, हमारा जगह तुम लोग हड़पने जा रहे हो। रिलेशन तीन देशों का रिलेशन तुम लोगों ने बिगाड़ दिया है, तो आपने आप सोचो ना क्यों ये लोग हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। तुम लोगों को कमजोरी तो होगा ना, इसलिए तो अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग। ये बात दिमाग में रखो भाई, जो मुंह में आए वो जो भी वो नहीं बोलना, हम गुलामी कभी नहीं करते। ना करा था हम लोगों ने गुलामी, ना करेंगे, ना कर रहे हैं। इतने बात ध्यान दिमाग में रखना भाई, मीडिया, इंडियन मीडिया लोग। भौगोलिक क्षेत्रों का बनावटी विस्तार मंजूर नहीं है, मतलब जब चाहा किसी के हिस्से को अपना बता दिया, कोई भी नक्शा जारी कर दिया बगैर किसी तथ्य के। सोचिए, अगर हमने ये दिखा दिया कि पूरा नेपाल हमारा है, फिर क्या होगा? What the hell? Oh my God! पागल हो इनरू? अरे तुम लोग पागल हो क्या इंडियन मीडिया? तुम मुझे तो लगता है तुम लोग पागल ही हो। जाओ मेंटेन हॉस्पिटल जाओ, अपने दिमाग चेक कराओ यार। क्या बोल रहे हैं, ये कहा वो कहा, हम लोग बोलेंगे तो नेपाल है तो क्या करोगे, नेपाल हमारा है तो क्या करेंगे, तेरे बाप की संपत्ति है क्या हम लोग? हैं क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा तो ठीक है, तुम लोग बोलते हो कि संचार कर्मी, ओनली इंडियन मीडिया को मैं बोल रही हूँ ये, तुम लोग बोलते हो कि हमारा देश
इतना बड़ा है क्षेत्रफल से, हर एक चीज में हमारा देश बड़ा है, नेपाल इतना सा है, इतना छोटा है नेपाल। तुम लोग बोलते हो ना, तुम लोग चाह चाह कर भी हम लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, हम छोटे देश में रहते हैं, हमारा देश छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से, हमारा देश छोटा होगा, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हमारा देश छोटा होगा, बट ऊंचाई के हिसाब से हमारा देश नंबर वन में है। इस बात को याद रख, दिमाग में रखना भाई लोग, दिमाग पे रखना, क्योंकि हमारे पास सगरमाथा है, विश्व के सबसे सर्वोच्च ऊंचाई सगरमाथा है। तुम लोग वार की बात करते हो ना, हम लोग वार करेंगे तो हमारा इतना इतना लाख सैनिक है, तुम लोगों का 70,000 या 75,000 तुम लोग बोलते रहते हो ना। वार करो भाई, वार करो, वार करना चाहते हो तो करो, बट तुम्हारा वो देश, तुम्हारा वो सैनिक या के ब्ला ब्ला ब्ला, जब हमने हमारा सगर माथा गिरा दिया तो हम तो मरे जाएंगे, ठीक है, हम तो मरे जाएंगे, क्योंकि हम अपने देश में मरने के लिए हम प्राउड फील करते हैं, बट तुम्हारा देश भी डूब जाएगा भाई, इतना याद रखना। तुम लोग बोलते हो कि नेपाल से खाना जाता है, ये जाता है, वो जाता है, नेपाल के बिना इंडिया के बिना नेपाल कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ से ये लोग लेके जाता है। तुम लोग भूल रहे हो भाई, हमारा पानी, खाने खाना बिना हम बांट सकते हैं, हम बांट सकते हैं, हम खाना ना खा के, पर पानी बिना कोई जीवित रह सकता है? कोई जीवित रह सकता है पानी बिना? वो पानी, हमारा पानी तुम लोग खा रहे हो भाई, सगरमाथा के वो ऊंचाई से बहते हुए पानी आज इंडिया लोग पीते रहे। तो हमें बात करते, हमें खूब बोलते हो कि छोटा देश, तुम्हारे देश से क्या आता है? इंडियन मीडिया, तुम लोग बोलो कि तुम्हारे देश से क्या आता है सामान? अच्छा आता होगा, हमने यूज किया होगा, तो क्या फोकट में हम लोगों ने तुम्हारा सामान यूज किया है? हम पैसे देते हैं यार तुम लोगों को, तुम्हारा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तुम लोगों का बिजनेस हमारे नेपाल के कारण पिकअप लिया है, बढ़ रहे हैं, तुम लोग पैसा कमा रहे हो हमारे मेहरबानी से। ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं देंगे, छोटा छोटा झगड़ा में, छोटा छोटा बात में तुम लोग कर्फ्यू लगा देते हो, सामान नहीं पहुंचा देते हो यार, या क्या तुम लोगों ने इतना हमें दुख दिया है कि हम तो फिर भी ठीक है कि हम लोग क्योंकि हमारे देश में बुद्ध ने जन्म लिया है ना, हमारा देश के ही समय आगे बोलते थे कि तप्पु आश्रम लाइक तपस्या करते हैं, ये नेपाल में देश में पहाड़ी इलाकों में तपस्या करते हैं, ये क्योंकि हम लोग शांत स्वभाव के हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है, ठीक है, जो भी जैसे भी हो छिमे की राष्ट्र है, हमें मिलना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, हमारे तुम्हारे हर बातों को कंप्रोमाइज इग्नोर करके तुमको हम लोगों ने यहाँ पे बिठाया है, यहाँ पे तुम लोगों ने कभी समझा किसी बात को? तुम लोगों ने फील के साथ एक्सपीरियंस लिया, कुछ फील किया तुम लोगों ने? नहीं, तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब नेपाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि नेपाल में ऋषियों ने तपस्या की थी, नेपाल में ऋषियों ने तपस्या की थी, तप भूमि आपके प्रधानमंत्री जी ने बोला था यहाँ पे, और नेपाल को हर दम हर सपोर्ट हम करेंगे ये भी बोला था, और एक बड़ी बात कि नेपाल में एक पशुपति नाथ है ना, नेपाल में पशुपति नाथ है, पशुपति नाथ में हम फॉरेनर को एंट्री नहीं कराते, यहाँ पे नेपाल पे हम इंडियन लोग को छूट कर दिया है, कि जबकि हम लोग तुम लोगों को इतना रेस्पेक्ट और इतना समझदार समझते हैं कि हमारा पशुपति नाथ में पुजारी भी एक इंडियन ही है, हमने तुम लोगों को सर पे चढ़ाया है, रेस्पेक्ट किया है हर बातों पे, हर चीजों पे,
पर तुम लोगों ने हमें क्या दिया? हमारा देश, हमारा जगह ही तुम लोग खोसने लगे, अपना बनाने लगे धोखा देकर। पहले अच्छा तो तुम लोगों का है, अच्छा वो लिपु लेक, वो काला पानी तुम लोगों का है, तो तुम्हारा मिक्स नक्शा में क्यों नहीं है? हमारा देश नक्शा में तो नहीं है तुम्हारा, तुम लोगों का नक्शा में? हमारे नक्शा में तो अभी रिसेंटली हमारा देश तो हमें वापस नक्शा में दिख रहा है। हम कॉन्फिडेंट ये हमारा ही है, तुम लोग क्यों भूखते रहते हो यार? जाओ आपने मोदी से क्या कहो, अपने प्रधानमंत्री से कहो, क्या है सच्चाई, क्या है बात, क्या है ये जगह हमारे है कि नहीं, पूछो। आज साइलेंस क्यों है प्रधानमंत्री मोदी जी? साइलेंस क्यों है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो कंफ्यूज है वहाँ, वो हम लोग कंफ्यूज नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं, हम हमारे हैं हम बोलेंगे। बट आप लोगों के प्रधानमंत्री के वो मोदी जी क्यों कंफ्यूज है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग क्यों बोल रहे हैं? कि बने मैंने इंडियन पीपल को कुछ नहीं बोला है, सब लोग अच्छे हैं। कितने ने तो इंडियन पीपल ने तो हमारा साथ भी दिया है। हाँ ये नेपाल का ही है, ये काला पानी लिपु लेक ये नेपाल का ही है। कितने ने सपोर्ट किया है, और गवर्नमेंट ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं गवर्नमेंट को भी दोषी नहीं दूंगी, बट दोष दूंगी तो इंडियन मीडिया को दोष दूंगी। तुम लोग जो भी बोलते हो यार, पकते हो यार, पक 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 पकते हो यार तुम लोग।